हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम शिवांशु, आप सभी देख रहे हो शिवांशु गेमिंग टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मैं जानता हूँ कि मैं वीडियो बहुत दिन बाद डाला हूँ क्रिकेट पे, तो उसके लिए सॉरी। और फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि अब जो भी मेरे वीडियो का थंबनेल कॉपी करेगा उसको डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, क्योंकि यार बहुत से लोग मेरे थंबनेल कॉपी कर रहे हैं और बहुत से रिव्यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि यार थंबनेल बनाना बहुत मेहनत लगती है। तो चलो बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रियल के 21 का न्यू अपडेट या फिर रियल के 21 जो गेम है वो कब फाइनली प्ले स्टोर पर लॉन्च होने वाला है। और फ्रेंड, मैं कोई हवे में बात नहीं करूँगा, आपको एग्जैक्ट रिलीज डेट कुछ मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा आज की वीडियो में। तो आपको वीडियो देखते हैं एंड तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग रियल क्रिकेट का हिस्ट्री जानते हैं कि वो लोग हर ईयर में अपना एक न्यू गेम लॉन्च करते हैं, क्योंकि वो लोग रियल के 13 या फिर रियल के 14 से गेम लॉन्च कर रहे हैं। और लास्ट ईयर रियल के 18 मतलब उसके लास्ट आया था, फिर उसके नेक्स्ट ईयर रियल के 19 और इस ईयर रियल के 20 आया था। तो फ्रेंड, ये तो फिक्स है कि रियल के 21 भी आपको गेम देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेंड मेन बात ये है कि यह आपको कब देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, अगर मैं आपको कुछ आपको न्यूज़ दूँ तो ये अपडेट आपको फरवरी में, मतलब न्यू गेम आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि रियल के 20 जो आया था वो भी फरवरी में आया था। उसका 14th ऑफ जनवरी को एक ट्रेलर लॉन्च किया गया था जो कि उनका ऑफिशियल ट्रेलर था। तो ऐसे ही कुछ रियल के 21 के साथ भी होने वाला। लेकिन फ्रेंड, मैं आपसे पहले ही बोल दूँ यार कि आप लोग एक्सपेक्ट मत करना यार, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि संजय माझी की कॉमेंट्री फ्री होगी, लेकिन उनकी कॉमेंट्री फ्री थी नहीं। तो मेरे हिसाब से लोग जो भी माइक रेड मोड या फिर जो भी फीचर लाने वाले हैं वो भी फ्री होगा नहीं, वो भी पेड होगा, क्योंकि अब न्यू गेम आएगा तो न्यू फीचर तो आने वाले हैं। और गेम आपको यार नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में उसका ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड, हो सकता है कि वो लोग इस साल गेम थोड़ा जल्दी लॉन्च कर दे, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ये है कि रियल के 21 में जो भी फीचर आने वाले हैं वो सब फ्री तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाले। अब हो सकता है बाई चांस फ्री हो जाए, क्योंकि अभी WCC ने फ्री दिया था, लेकिन उसके बाद भी रियल के 21 में कुछ फ्री होने वाला है नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर यार यही न्यूज़ है। और यार क्रिकेट गेमिंग को अगर आगे बढ़ना है तो उनको यार फ्री चीज़ें देनी होंगी, क्योंकि पहले आप लोग देख लो कितने व्यूज़ आते थे हम लोग के भी, लेकिन इस समय व्यूज़ इतने डाउन इसलिए हैं क्योंकि क्रिकेट गेमिंग कोई देखना चाहता नहीं, क्योंकि रियल के 20 ने पूरे क्रिकेट गेमिंग कम्युनिटी का सत्यानाश कर दिया है। क्योंकि वो लोग जो भी फीचर लाते हैं सिर्फ उनको पैसे चाहते हैं, और इसी वजह से कोई लोग गेम नहीं खेलता। और मेरे हिसाब से अगर उन्होंने रियल के 21 में कुछ भी पेड रखा या फिर माइक्रो मोड या फिर जो भी न्यू फीचर लाएंगे, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि क्रिकेट गेमिंग बिल्कुल डाई हो जाएगी, और WC3 के रहते हुए भी क्रिकेट गेम कोई नहीं खेलने वाला है। क्योंकि आप लोग ऐसा कि WC3 का रेटिंग देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, और रियल के 21 का भी रेटिंग डाउन होगा अगर वो लोग कोई फीचर पेड करते हैं। तो फ्रेंड, अब आपको मालूम चल गया होगा कि रियल के 21 कब आने वाला है, और इसमें अगर कोई फीचर पेड हुआ तो फिर इनका गेम लाए कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ बस यही न्यूज़ शेयर करनी थी कि नेक्स्ट ईयर के जनवरी या फरवरी में आपको न्यू गेम देखने मिल सकता है रियल के 21। तो अगर आपको वीडियो आज की थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को जो लाइक करना और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको फ्यूचर में हमारे चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। तो चलो, तब तक टाटा बाय बाय।